form to access any software, any hardware by internet. Mean internet के थ्रू हम ये चीज़ एक्सेस कर सकते हैं. मीन क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट. जब तक आपके पास इंटरनेट है तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर पाओगे. ठीक है, जस्ट थिंक वट ऑल थिंग्स यू नीड. यू वॉन्ट टू सेट अप एन आई टी कंपनी एंड फर्स्ट यू हैव नीड टू एन ऑफिस ऑफिस एंड हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर एंड सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर टू रन द हार्डवेयर. देन यू नीड टू राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू पावर एंड कूलिंग सिस्टम. एन आई टी एक्सपर्ट फॉर मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑल दिस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस. मीन अगर सपोज आपको एक छोटा सा एक आई टी कंपनी का सेटअप बनाना है तो उसके लिए हमें एक ऑफिस की स्पेस चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सर्वर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए. ठीक है, और उसको चलाने के लिए हमें आई टी एक्सपर्ट चाहिए. ठीक है, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब हमारे पास एक प्रॉपर एक चीज़ आई टी कंपनी को सेटअप कर पाएंगे. इफ़ योर वर्क इंक्रीज यू नीड मोर स्पेस. अगर आपका वर्क जो है और अच्छा हुआ तो आपको और स्पेस चाहिए, और हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए. ठीक है, और आई टी एक्सपर्ट चाहिए. ठीक है, एंड अगेन लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस. कैपिटल एक्सपेंस मीन पैसा, जिसमें हम आप पैसा लगाते हो. ठीक है, हमें और अब पैसा खर्च करना पड़ेगा. इफ़ योर वर्क डिक्रीज एंड यू नीड टू शट डाउन योर बिजनेस. सपोज आपका बिजनेस जो है कम हुआ तो आपका जो है जितना भी आपकी जो आई टी जितनी भी डिवाइसेस हैं क्या होगी, ख़राब हो जाएंगी. तो ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट टू यूज़. मीन इसका कोई यूज़ नहीं होगा. यू एलिमिनेट दीज हेडेक्स बाई यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग. इन सब चीज़ को सी चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी डेट प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट. रिसोर्सेज इंक्लूड ईमेल, शेड्यूल्स, म्यूजिक, फोटोज, वीडियो, गेम्स एंड वेबसाइट प्रोग्राम्स, वेब एप्स, सर्विसेज, स्टोरेज एंड मोर. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ईमेल, फोटोज़, वीडियोज़, गेम, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस, स्टोरेज. ठीक है, सर्विसेज इंक्लूड एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर्स एंड स्टोरेज फाइल्स ऑनलाइन. हम अपनी फाइल को स्टोरेज कर सकते हैं ऑनलाइन. इंस्टेड टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज सर्विस लोकली ऑन योर कंप्यूटर. मीन हम इसको अगर सपोज आप लोकल है, लोकल मीन आपने अपने पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करना है तो आपको पर्टिकुलर उसी जगह पर जाके उसको यूज़ करना पड़ेगा. बट क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको पर्टिकुलर उस जगह पे जाके यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट आपके पास एक एक किसी भी डिवाइस होनी चाहिए, उस डिवाइस पे इंटरनेट होना चाहिए. ठीक है, क्लाउड स्टोरेज इज अ इंटरनेट सर्विसेज डेट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू कंप्यूटर यूजर्स. क्लाउड स्टोरेज क्या करता है, डेट इज स्टोरेज फैसिलिटी. आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो. ठीक है, सम ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आर फ्री. कोई सर्विसेज ऐसी होती है जो फ्री होती हैं और कोई ऐसी सर्विसेज जो पेड होती हैं. इफ़ यू आर यूजिंग पेड सर्विसेज देन यू पे ओनली फॉर द सर्विसेज डेट यू एक्चुअली. मीन अगर आप कुछ सर्विसेज हैं जो पेड हैं, सिर्फ आप उसमें वही सर्विसेज यूज़ कर पाओगे जिसके लिए आपने वो सर्विस पैसे दिए हैं. एज अ रिजल्ट यू नीड नॉट मेक अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट और स्टाफ टू सपोर्ट इट. मीन सपोज आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है तो आपके लिए किसी भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपके पास देखो सॉफ्टवेयर है. ठीक है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर को साफ सफाई करनी है. ठीक है, और जो आईटी एक्सपर्ट है उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ठीक है, तो ये किसी इन सब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है. पीपल चूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर वेराइटी ऑफ रीज़न. क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, एज यू सी इन द डायग्राम, ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट, गेम्स, स्टोरेज प्रोग्राम, वेबसाइट, बैकअप्स, ऐप्स, सर्वर, म्यूजिक, ये सब किस में है? क्लाउड में है. और यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये सब जितना आपको ये दिख रही है ना यहाँ पे डिवाइसेस, जैसे ये डेस्कटॉप है, टैबलेट है. ठीक है, ये आपका टैबलेट हो गया, ये आपका लैपटॉप हो गया, ये आपका मोबाइल हो गया. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे आर एक्सेसिंग दीज सर्विसेज. ठीक है, तो दिस इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, इसके लिए हमें किसी भी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना किसी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, बट आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सेस दीज ऑल दीज सर्विसेज. ईमेल, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, स्टोरेज प्रोग्राम, बैकअप, सर्विसेज, म्यूजिक, वेबसाइट, ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ सो पीपल आर चूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर वैरायटी ऑफ रीजन. इसका रीज़न क्या है आपने देख ही लिया है.
Accessibility, data and application are available worldwide from any computer and devices with the internet connection. आप उसे कहीं से भी यूज़ कर सकते हो. कॉस्ट सेविंग मीन आपको किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड अ कॉस्ट सेविंग. स्पेस सेविंग, अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है तो उसके लिए आपको स्पेस भी चाहिए. ठीक है, जो हार्डवेयर मीन जो उसको किसी कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना उसके लिए. तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वर, सर्वर के लिए हमें क्या जगह चाहिए. एंड अदर हार्डवेयर्स, उसका जो हमारे अदर हार्डवेयर्स हैं उसके लिए भी जगह चाहिए. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इस चीज़ की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक डेस्कटॉप चाहिए या लैपटॉप चाहिए और वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए. स्केलेबिलिटी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज कंप्यूटर रिक्वायरमेंट एज पर नीड. अगर आपको कोई कंप्यूटर रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है, दैट इज़ अ वाई पीपल आर यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. इट प्रॉबली द मोस्ट कॉस्ट इफिशियंट मैथड टू यूज, मेंटेन एंड अपग्रेड. इट एलिमिनेट द कैपिटल एक्सपेंस बाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स. मीन हमें किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मीन बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ के लिए. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सिर्फ, मैंने आपको बताया, इंटरनेट एंड देन योर डिवाइस. इट अलाउ यूजर टू गेट लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. आप अपने कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हो. इट अलाउ यूजर टू एक्सेस फाइल ऑन द इंटरनेट फ्रॉम एनी कंप्यूटर एज इंटरनेट एक्सेस. आप अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी डिवाइस से, बट वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए. यूजर कैन अलाउ देयर एक्सेस देयर फाइल्स ऑन द इंटरनेट सो दैट यूजर कैन लिसन टू एन ऑडियो फाइल्स, वॉच ऑडियो, वीडियो, फोटोज, स्ट्रीट सेंडिंग फाइल्स टू देम वीया ईमेल मैसेजिंग. ठीक है, आप अगर आपका कंप्यूटर किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन ऑडियो, यू कैन लिसन द वीडियो, वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, फोटोज एंड ईमेल भी आप सेंड कर सकते हो. इट मेक डेटा बैकअप इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव. आपका जो डेटा है उसको वो बैकअप भी करते रहता है. इट अलाउ यूजर टू व्यू अ टाइम क्रिटिकल डेटा मैनेज इमिडिएटली वाइल अवे फ्रॉम मैनेज ऑफिस लोकेशन. फ्रॉम एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन व्यू एक्सरे फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स होम ऑफिस वाइल ऑन वैकेशन. सपोज डॉक्टर है वो घर पे है, अर्जेंट हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट आया है, उसकी अब एक्सरे रिपोर्ट देखनी है, अर्जेंट देखनी है, तो क्या करेंगे हम उस विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटर उस फोटो को कहाँ डाल देंगे, क्लाउड में डाल देंगे. एंड देन जो डॉक्टर है वो घर में या कहीं वैकेशन में है तो वहाँ से उसको देख के उसकी रिपोर्ट बता सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, यू सी दिस वन. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन व्यू एक्सरे इमेजेस फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल होम ऑफिस और वायल ऑन वैकेशन. इट प्रोवाइड अप टू डेट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज अपग्रेड टू सर्वर एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर. ये क्या करते हैं, अप टू डेट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर मीन आप जो जिस क्लाउड में आप यूज़ कर रहे हो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं. किसके लिए, जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को स्मूथली करने के लिए. ठीक है, सो बेटा you have to watch this video and try to do questions of this one. Okay, thank you.